everyone, welcome back to your channel Curry and Couch. In today's video, I'm going to share with you some organization ideas for crockery unit. And I also made a tea station in my kitchen corner. So let's start the video. इस बोल ऑर्गेनाइजर की हेल्प से आप अपने सारे बोल्स को वर्टिकली अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे कि आपके बोल्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। ये मेरा पुराना एसएस का एक कप होल्डर था, जिसे मैंने स्प्रे पेंट से गोल्डन में पेंट कर दिया है। जो मेरा टी कॉर्नर है, मैंने उसका थीम जो है वो डिसाइड किया है वाइट एंड गोल्डन कलर के लिए, तो मैंने इसलिए इस कप होल्डर को भी गोल्डन में पेंट कर दिया है। ये वॉलपेपर मैंने अपने टी कॉर्नर के लिए परचेस किया है, जो कि सेल्फ एडिसिव है, जिसे आप इजीली खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ फोटो फ्रेम्स मेरे पास पहले से रखे हुए हैं, जिन्हें मैं गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर लूँगी, क्योंकि जो मेरे टी कॉर्नर का थीम है वो गोल्डन एंड वाइट है। एंड इसके लिए मैंने कुछ प्रिंट आउट निकाले हैं जो मैं अपने फोटो फ्रेम में यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने सारे ग्लासेस को उनके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करके रख दिया है। ग्लासेस के पास मैंने अपने स्नैक्स बॉक्सेस को इस तरह से अरेंज करके रख दिया है, एंड उसके पास में जो बोल्स हैं मैं उन्हें भी अरेंज करके रख दूंगी इस तरह से। एंड कॉर्नर के स्पेस में मैं अपने टी मग्स को अरेंज कर दूंगी। नीचे के शेल्फ में मैं इन ऑर्गेनाइजर की हेल्प से अपने प्लेट्स को अरेंज करके रखूंगी। इन ऑर्गेनाइजर की हेल्प से आप अपने प्लेट्स को इजीली अरेंज करके रख सकते हैं, और ये वर्टिकली अरेंज होने के कारण आपकी शेल्फ में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। से मैं सारे बोल्स को ऊपर के शेल्फ में इस तरह से अरेंज करके रख दूंगी, एंड जो नीचे का स्पेस मुझे फ्री मिल जाता है वहां पे मैं अपने टी मग्स को अरेंज करके रख दूंगी। इस वुडन ट्रे में मैंने अपना टी कैटल एंड डिफरेंट फ्लेवर्स के जो मेरे ग्रीन टीज हैं उन्हें अरेंज करके रख दिया है। एंड इस ट्रे के लुक को एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ स्मॉल से ग्रीन प्लांट्स को भी अरेंज करके रखा है। पास में मैंने जो गोल्डन फ्रेम्स DIY के थ्रू रेडी किए थे वो मैंने अरेंज कर दिए हैं, एंड उसके पास में मेरा कप स्टैंड आ गया है। यहाँ पे मेरा स्नैक्स बॉक्स मैंने रख दिया है, एंड उसके पास में जो केक मैंने बनाया था वो इस तरह से अरेंज करके रख दिया है। तो ये कंप्लीट लुक है मेरे टी स्टेशन का। आपको मेरा टी स्टेशन कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
अगर आपको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।